Dear student, it is class 10, triangle, tribhuj, and chapter 6 is on progress. Prashnavali 6.4 ka question number 1 se 4 tak aap pichle video mein padhe hain. Ab hum log question number 5, 6, 7, 8 dekhenge, 9 tak. Question number 5 dekhen kya likh raha hai. Ye bol raha hai ki ek tribhuj ABC ki bhujaon AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं. ठीक है, भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है. ठीक है, तो इसके फिगर को बनाएं. देखें, A है त्रिभुज ABC और ABC में AB, BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, ये दे रखा है, यानी कि ए डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई बी सी का है और एफ क्या है ए सी का मध्य बिंदु. ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब कि ये जस्ट इन भुजाओं को बी सी को और ए बी को और ए सी को डिवाइड कर रहा है हाफ हाफ में, आधे आधे भाग में. तो यहाँ पर हम लोगों को त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, इन क्षेत्रफलों के अनुपात को ज्ञात करना है. ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि डी ई एफ ए मध्यिका हैं, जब आप मिलाएंगे, जैसे डी को यहाँ से मिला रहे हैं ई से या फिर एफ को ई से मिला रहे हैं, तो ये एक समांतर रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं. मध्यिकाएं समांतर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं, जैसे डी ई समांतर किसके हो जाएगा, ए सी के. ठीक है, और यहाँ पर देखें ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, ए बी के, और डी एफ समांतर बी सी के. ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि डी ई समांतर ए सी के है, ठीक, और डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो डी ई है जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ए सी के बराबर हो सकता है, हो जाएगा. ठीक है, अर्थात डी ई ए सी जितना है ए सी का आधा होगा. देखें, ए सी और डी यदि समांतर हैं, चूँकि मध्य बिंदु तो समांतर होगा ही, अर्थात ये जो डी ई है ए सी का आधा होगा, उसी तरह ई एफ ए बी का आधा होगा और डी ई बी सी का आधा होगा. तो यही चीज़ हमने यहाँ पर नोट किया है. देखें, ये समांतर हैं अलग अलग, तो डी ई ए सी का आधा, डी एफ बी सी का आधा होगा और जो ई एफ है ए बी का आधा होगा. इस तरह से इनका जब तिर्यक गुणा करेंगे, डी ई बराबर हाफ ए सी है, तो डी ई बटे ए सी बराबर कह सकते हैं 1/2 हो जाएगा. ठीक है, ए सी नीचे चला आएगा, तो डी ई बटे ए सी बराबर 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ बटे बी सी बराबर 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ बटे ए बी बराबर 1/2. ठीक है, पोजीशन इसका बनेगा. अब ये फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति, थर्ड स्थिति, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों देखिए बराबर है, हाफ 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 बराबर हैं. तीनों को बराबर कीजिए, क्या हो जाएगा, डी बटे ए सी बराबर डी एफ बटे बी सी बराबर ई एफ बटे ए बी, क्योंकि सबका मान कितना है, 1/2 है, सभी का मान 1/2 है. ठीक है, अर्थात आप उस फिगर में देखेंगे दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी में, तो ये पा रहे हैं. देखिए, यहाँ पर अभी अभी प्रूव किए कि डी ई बटे ए सी, फिगर में देखिए डी ई बटे ए सी, डी ई आपको यहाँ पर डी ई बटे ए सी, यानी ए सी के संगत डी ई, बड़ी भुजा त्रिभुज की बड़ी भुजा ए सी के संगत त्रिभुज की छोटी भुजा, बराबर किसके है, डी एफ बटे बी सी, त्रिभुज में देखें डी एफ बटे बी सी. ठीक है, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, उसी के संगत देखें ई एफ बटे ए बी, ई एफ बटे ए बी, यानी छोटी भुजा के संगत बड़ी भुजा, ये क्या है, समान अनुपात में है. अतः यह कह सकते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा. ठीक है, चूँकि संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप छोटा वाला त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, ये क्या हो जाएगा, समरूप. अब जैसे ही समरूप हो गया, समरूप का शर्त ये जानते हैं कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समान अनुपात में होता है.
तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसी भी संगत भुजा को ले लीजिए, किसी को, डी एफ बटे बी सी टोटल इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि डी एफ बटे बी सी या कोई भी भुजा इसका जो वैल्यू है 1/2 आ रहा है, ठीक है, डी एफ बटे बी सी चाहे कोई भी भुजा ले लें तो 1/2 आ रहा है, बस इसमें डी एफ बटे बी सी के स्थान पर 1/2 रखें, चूंकि वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1/4 यानी 1/4, अर्थात डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल आएगा, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यू सी इट। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के समान होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर माध्यिकाओं के सिद्ध करना है, तो आइए समझते हैं इसे। देखें, ये दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी माध्यिकाएं चूंकि क्रमशः ए डी और पी एस हैं, ये माध्यिकाएं हैं, ठीक, बी डी का मध्य बिंदु बी सी का डी है और क्यू आर का मध्य बिंदु हमने माना एस है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, ए बी सी जो त्रिभुज ए बी सी है इसका क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इनकी माध्यिकाएं जो ए डी है और पी एस इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में चूंकि ये दोनों समरूप हैं इसलिए कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, टोटल कोण ए यानी बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, ये बड़ा वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हैं और बी बराबर कोण क्यू है, चूंकि संगत जो त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, चूंकि ये बड़ा वाला कोण बराबर हो जाएगा इसलिए चूंकि ये माध्यिका है, माध्यिका का मतलब कि जो माध्यिकाएं होती हैं किसी भी कोण को हाफ हाफ में बांटती हैं, आधे में बांटती हैं, अर्थात यह कोण कौन सा, कोण बी ए डी बराबर कोण क्यू पी एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर नोट किया गया है, देख लें, चूँकि दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ए डी और पी एस इसकी माध्यिकाएं हैं, ठीक है, और कोण इसके साथ माध्यिका होने के नाते कोण बी ए डी, बी ए डी और कोण क्यू पी एस, ए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर कोण भी बराबर हो गया, इन त्रिभुजों के दो कोण चूंकि बराबर हो गए तो कोण कोण के नियम से क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, कौन कौन सा कोण, त्रिभुज ए बी डी समरूप क्यू पी एस के, ठीक है, ए बी डी समरूप पी क्यू एस। अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, ठीक है, वही चीज़ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्ग के समान अनुपात में होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को सिर्फ मान रख देना है, ए बी बटे पी क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, ए डी बटे पी एस, करेक्ट, जैसे ए बी बटे पी क्यू के स्थान पर ए डी बटे पी एस रखेंगे इसका वर्ग, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था कि क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होगा, ए डी बटे पी एस इसकी क्या है, माध्यिकाएँ हैं, ए डी बटे पी एस। सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो कोई वर्ग है और उस वर्ग के एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना है और उसी वर्ग के एक विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज है विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके फिगर को चेक करें, दिस इज फिगर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ग है, कोई वर्ग ए बी सी डी, ए वर्ग बना हुआ है ए बी सी डी। अब इस वर्ग के एक भुजा सी डी पर एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, कौन सा, डी सी ई,
ठीक है, समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है? सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं और कोण, प्रत्येक कोण 60-60 के अंश के होते हैं, 180 हो जाएंगे, 60-60-60। ठीक है, तो ये एक भुजा पर बन गया समबाहु त्रिभुज, और इसके एक विकर्ण पर AC पर, ए इधर की तरफ, चूंकि विकर्ण बड़ा है इसलिए त्रिभुज भी बड़ा होगा। कौन सा त्रिभुज? AFC कह ले, AFC इसके विकर्ण पर बन रहा है, और भुजा पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज DEC। ठीक है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और समबाहु त्रिभुज में हम लोगों से पूछ रहा है कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आधा होगा किस त्रिभुज का? त्रिभुज AFC का, त्रिभुज AFC। ठीक है, यह भुजा पर जो बना हुआ क्षेत्रफल है विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है, ये प्रूफ करना है। अब हमको पता है कि ये जो त्रिभुज DEC और ACF है, ये दोनों क्या हैं? समबाहु हैं। ये दिया हुआ है आपके पुस्तक में, समबाहु के नाते प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे? 60 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण चूंकि 60 अंश के हो जाएंगे, तो कोण 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 के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन से? त्रिभुज DEC समरूप AFC के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। अब समरूप की खासियत क्या होती है कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो वहाँ पर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर, संगत भुजाएं कौन कौन सी लेनी है देखिएगा, CD² बटे AC² ठीक है, यही हम लेते हैं CD² बटे AC या CA² ठीक। ये समीकरण नंबर हमने 1 माना। अब पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर यूज करेंगे किस त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय एक कोण 90 अंश का होगा चूंकि वर्ग है, कोण D का मान 90 अंश का होगा, ADC = 90°। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण पर का बना वर्ग यानी AC² = AD² + DC² करेक्ट। तो AC² = AD² + CD² ठीक, यहाँ पर होगा AC = AC² = CD² + CD² चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर AD जो है, AD को आप DC या CD ही रख सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर हैं। तो यहाँ पर AD को क्या करेंगे? CD ही कर लीजिए, और CD² + CD² 2 बार आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2CD² हो जाएगा, AC² = 2CD² क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से AC² की जो वैल्यू आ रही है उसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर CD² बटे AC² ठीक, तो CD की वैल्यू वहीं रहने दीजिए, AC² के स्थान पर हमको क्या रखना होगा? 2CD² देख रहे हैं, 2CD² CD कट जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। अतः यह कह सकते हैं कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जब त्रिय गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे आप? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AFC के क्षेत्रफल का हाफ पाएंगे। ठीक है, जब त्रिय गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, यही चीज हमें प्रूफ करना था। एंड इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु हैं, यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, लेकिन D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसके फिगर। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु देख रहे हैं D है। ठीक, D को E से मिलाइए, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ABC और यहाँ पर BDE, जैसा कि आपके किताब में बोल रहा है BDE। D क्या है? BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD बराबर DC होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, एक ABC का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल।
तो देखिए दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ए बी सी और बी डी ई समबाहु हैं। समबाहु का मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 अंश का होगा, यानी कि 60 अंश अर्थात कोण कोण के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई के ऑटोमेटिकली समरूप हो जाते हैं यदि कोई समबाहु त्रिभुज होते हैं तो। ठीक है, किताब में दोनों त्रिभुज क्या है? समबाहु बोल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूप की शर्त यह होती है कि इनके जो क्षेत्रफल होते हैं संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर बी सी का वर्ग बटे बी डी का वर्ग, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा कर दीजिए। ठीक, बी सी का वर्ग बटे बी डी का वर्ग। अब बी सी को क्या कहते हैं? बी सी का मध्य बिंदु डी है, यानी बी डी और डी सी बराबर है, तो यहाँ पर पूरे बी सी को 2 BD लिख सकते हैं। आधा आधा होगा बी डी बी डी, बी डी और डी सी चूँकि बराबर हैं तो बी डी और बी डी 2 BD लिख सकते हैं। ठीक, चूँकि मध्य बिंदु है तो बी सी जो बड़ी भुजा है इसको 2 छोटी भुजा यानी कि 2 BD करें, बी डी से बी डी कट जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 समंथे 1 आएगा इसका आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 इज 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4 समंथे 9 के अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जनरल सा है, आप केवल सूत्र में मान रखें। तो दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। बस जो भुजा है 4/9 है, इसका वर्ग कर दीजिए, 4 चौका 16 संबंध 81 आ जाएगा, यहीं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।